तो हे गाइस, दिस इज़ रौनक फूडी। तो आज हम आ गए हैं ग्वालियर में एक ऐसी फूड वैन आपको दिखाने जो काफ़ी ज़्यादा हाइजीनिक और काफ़ी बढ़िया फूड ये बनाते हैं। और इनकी पिंक कलर की वैन है। इनका जो मेन्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में ये बेचते हैं बर्गर मोमोज वगैरह। तो गाइस, अगर आप भी ट्राई करना चाहते हो इनका फूड तो आप आ सकते हो ग्वालियर में। तो गाइस, ये पूरी पिंक कलर की वैन है, फूड वैन। तो इन्होंने जो रेडी करवाई है वो ग्रेटर नोएडा से रेडी करवाई है। इस वैन का नाम इन्होंने रखा है मैक्स इन इट। काफ़ी सारे यहाँ पे इन्होंने थॉट्स वगैरह लिख रखे हैं पूरी वैन पे। बटर में फ्राई हो गए हैं बनाना? हाँ, बटर में टोस्ट हो गए हैं। अच्छा, और अब क्या आ रहा है इस पे? अभी साउथ वेस्ट चिपोटले सॉस डाली है। अच्छा, एक साउथ वेस्ट बर्गर है, एक स्मोक हाउस और एक वेज बर्गर है। ओके ओके, तीनों अलग अलग लग रहे हैं मतलब? जी, तीनों अलग अलग। तो नेक्स्ट क्या आ रहा है भैया? अभी हमारा जो स्मोक हाउस के लिए स्मोकी सॉस जा रही है, स्मोकी बारबेक्यू सॉस। अच्छा, ये कौन सी सॉस होती है? ये बारबेक्यू सॉस। अच्छा, बारबेक्यू सॉस होती है। ये बर्गर सैंडविच मायो है। ओके, ये ब्लेंड मायो होती है। अच्छा, ये वेज जो वेज बर्गर है उसमें जाता है। ये आइस बर्गर। ओके, तो वेज पेटी है ना? जी। अच्छा, तो आलू पेटी होती है कि भैया मकेन आप यूज करते हो? ये अभी तो मकेन यूज करते हैं। अच्छा, मकेन यूज करते हो आप? ओके, ये अनियन रिंग से ही हम घर पर बनाते हैं। अच्छा, ये अनियन रिंग्स आ रही ऊपर से? यहाँ ये स्मोक हाउस में जाती है। ओके ओके, तो ऊपर से फिर से बारबेक्यू सॉस आ रही है। आ गई। ओके, ये चीज ड्रेसिंग है। अच्छा, तो गाइस देख सकते हो एकदम डिलीशियस लग रहा है बर्गर तीनों जो बन रहे हैं। ये साउथ वेस्ट है। अच्छा, साउथ वेस्ट का नाम है क्या? साउथ वेस्ट चिपोटले सर, साउथ वेस्ट स्पाइस होता है, साउथ वेस्ट कैचन स्पाइस। ओके ओके, और उसको उसको ब्रांड करके मायो के साथ सॉस बनाई जाती है। अच्छा जी, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है साउथ वेस्ट सॉस। ये सर मैक्सिकन वर्ड है। अच्छा, मैक्सिकन वर्ड है। ओके, ये थोड़ा सा चिली गार्लिक है, होममेड चिली गार्लिक। अच्छा, चिली गार्लिक आ रहा है इसमें। सेजवान है, सेजवान डाल। साउथ वेस्ट में सर हम हैलोपिनोज डालते हैं। ओके, हैलोपिनोज आ रहे हैं। देख सकते हैं एल्पिनोज आ रहे हैं। थोड़ा सा भैया, इसकी प्राइस कितनी होती होगी वैसे बर्गर की? सर ये साउथ वेस्ट है 60 रुपीज। अच्छा, स्मोक हाउस है 70 रुपीज। ओके, और सिंपल वेज है ये 50 रुपीज। मतलब सारे रीजनेबल बर्गर के प्राइस है सारे, है ना? हमारे यहाँ सारी रेट रीजनेबल होंगी। तो गाइस, ये रेडी होने वाले हमारे तीनों बर्गर। बहुत ज्यादा नहीं डाल रहे हैं भैया। रेडी हो गए जी। ओके, आइडिया में बहुत टाइम से सोच रहा था अपना खुद का स्टार्टअप करने का। अच्छा अच्छा, तो शुरू में कई लोगों ने सजेस्ट किया कि शॉप ओपन कर लो, बट शॉप का एक तो ये इशू था कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा था स्टार्टिंग में। इन्वेस्टमेंट तो खैर इसमें भी है, बट उसमें एक रेंट का इशू है, पर मंथ रेंट। दो नहीं, इन्वेस्टमेंट तो आपने इसमें भी किया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें मैंने काफ़ी किया है, बट एक मेन मेजर प्रॉब्लम ये रहती है ना कि हमें हर मंथ 30-40,000 के अच्छी जगह हम लेंगे तो 30-40,000 के मिनिमम रेंट रहता है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो शुरुआत में मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा अच्छा, और तो मैंने सोचा कि कुछ यूनिक लेके आते हैं। अच्छा, जो ग्वालियर में हो भी ना। हाँ, तो यूनिक ही है पूरी, और काफी ज्यादा सुंदर आपकी कार। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? और कहाँ से आपने ये रेडी करवाई है? ये मैंने ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा दिल्ली से। अच्छा अच्छा,
और आपको कितना टाइम हो गया अभी? मेरे को अभी आज 20 डेज कम्प्लीट हो चुके हैं। 20 डेज कम्प्लीट हो चुके हैं, अच्छा मतलब न्यू है। बिल्कुल। तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आपको? अभी सर जितना स्टार्टिंग में सोच रखा था उसके अकॉर्डिंग तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा अच्छा, काफी अच्छा लग रहा है, कस्टमर रिपीट हो रहे हैं और जो अप्रिशिएट करके जाते हैं, अच्छा फीडबैक देके जाते हैं, ओके, कॉन्फिडेंस आता है। हाँ। और वैरायटी क्या होगी आपके? वैरायटी सर अभी बहुत ज्यादा नहीं है, बस अभी जो हमारा मेजर मेन्यू है वो हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, मैक्सिकन फ्लेवर्स में टैकोस, क्वेसडियास एंड बरिटोस। तो आपके प्राइसेस वगैरह क्या क्या रहेंगे? प्राइसेस तो सर बहुत ज्यादा रीजनेबल है, हमारे यहाँ 40 रुपीज से मोमोज स्टार्ट है। अच्छा, और 100 रुपीज तक अभी सैंडविच जा रहा है हमारा। ओके, मैक्स अभी 100 है। ओके ओके, थोड़ा मैक्सिकन आएगा वो थोड़ा प्रीमियम रेंज में, 50 से 60 से बर्गर स्टार्ट है आपके? हाँ, 50 रुपीज से बर्गर स्टार्ट है। काफी रीजनेबल प्राइस है आपकी, वो सेलिंग बर्गर बैच बर्गर है 50 रुपीज, क्योंकि वो एवरेज बर्गर है। ओके, और अगर टेस्ट वाइज के फीडबैक देखे जाए तो सबसे अच्छा फीडबैक हमें स्मोक हाउस का मिला, जो मैंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। अच्छा अच्छा, तो वही खाएंगे फिर तो हम। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भैया। और टाइमिंग क्या होगी आपकी? टाइमिंग एवरेज 5:30 से 11 PM। 5:30 से 11 PM। अच्छा अच्छा, और एड्रेस क्या होगा जिससे लोग मतलब आ सके? एड्रेस एजी ऑफिस के सामने माधव नगर। अच्छा, ये ब्रिज के बिल्कुल जैसे बगल से ही है। ओके, माधव नगर गेट के बगल से। ठीक है भैया, फिर थैंक यू। थैंक यू। लगा दीजिए हमारे बर्गर। बिल्कुल, कौन सा? स्मोक हाउस? हाँ, स्मोक दोनों के लिए। हाँ ठीक है।